एक बार की बात है, एक जंगल में पांच ऋषिगण तपस्या कर रहे होते हैं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं कि बताइए आपको क्या चाहिए। ऋषिगण ने अमृत का डिमांड किया। भगवान ने कहा तथास्तु। कुछ टाइम के बाद एक बहुत बड़ा राक्षस ऋषियों के सामने प्रकट हुआ, जिसके हाथ में अमृत था। राक्षस दहाड़ते हुए ऋषियों के करीब आ रहा था। ऐसा देख चार ऋषि डर के मारे भाग गए, लेकिन पांचवें ऋषि अपनी तपस्या में मगन रहे। राक्षस उनके करीब आता है और अमृत उनके हाथों में देते हुए कहता है कि भगवान ने अमृत आप लोगों को देने के लिए मुझे चुना था। अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, ये मैं नहीं आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। खैर, स्वागत है आप सबों का K2K का सफर के एपिसोड 11 में। इस एपिसोड में मैं आपको K2K का सफर के 2 दिनों को दिखाने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, तो जी मैंने चाचा से ये पराठा खाने का चैलेंज लगा लिया था। मैं सबसे पहले सिंगल पराठा ऑर्डर किया, तो फिर मेरे को पराठा बहुत टेस्टी लगा, तो मैंने कहा कि एक और पराठा खाएंगे हम। चाचा कहते हैं तुम नहीं खा पाओगे बेटे, पहले एक पराठा खा लो। मैंने बोला कि नहीं चाचा, मैं खा ही जाऊंगा। चाचा ने कहा ठीक है, तुम अगर 2 पराठे खा गए ना तो पराठे के पैसे मत देना, और अगर तुम नहीं खा पाए तुम्हें 10 पराठे का पैसा देना पड़ेंगे। और मुझे लग रहा है कि अब 10 पराठे का पैसा देना पड़ेगा। भाई ये नहीं खिला रहा मेरे से यार। पराठा टेस्टी है सब, लेकिन अभी ढूक नहीं रहा है, यहाँ तक आ गया। चाचा ले हुए क्या 10 पराठे का पैसा? छोड़ देते। तो जी फाइनली एक नए सफर की शुरुआत हो रही है। वापस से मेरा टाइम हो गया 9:38, मतलब 9:40 मान लो, 10 बजे शुरुआत हो रही है। चाचा ने 8 पराठे का पैसा नहीं लिया हमसे। शुक्रिया चाचा, कुछ बोलना चाहोगे आप? थैंक यू। आप भी चलो मेरे साथ। दस आदमी बेरोजगार हो जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक बोल दो चाचा। क्या बोलना? बेस्ट ऑफ लक, आपकी यात्रा मंगलमय हो बोल दो। मेरी यात्रा सफल हो। आपकी यात्रा सफल हो। भाई ये कितना भारी है यार, ये कह रहा पूरा बेचेगा गांव में घूर घूर के। वो भाई साहब, तो भाई मेरे को अभी याद आ रहा है, मैं जिस ढाबा में रुका था उस ढाबा में रूम का पैसा देना ही भूल गया। उन्होंने मांगा भी नहीं, मैं अभी ट्रांसफर करता हूँ उनको। मतलब अभी एग्जैक्टली मेरे याद आ रहा है, अभी कर देता हूँ। ये देखो भाई, चेन्नई 1141, कन्याकुमारी 1761, लेकिन ये गलत दिखा रहा है, मेरे इंटरनेट पे दिखा रहा है 1800 कुछ। बाकी आज का डेस्टिनेशन हमारा नागपुर है, 121 किलोमीटर, 20 किलोमीटर मैं ऑलरेडी चल गया। जंगली जानवर से प्रोटेक्ट करने के लिए दोनों तरफ से पूरा प्रोटेक्शन लगाया हुआ है, ताकि उधर का जानवर इधर ना आ सके। दोनों तरफ पूरा जंगल है, घनघोर जंगल। भाई कितना लंबा जंगल है यार ये, इतने टाइम से क्रॉस कर रहा हूँ मैं, अभी भी पूरा बचा हुआ है लग रहा है। खैर फाइनली ये जंगल वाला एरिया क्रॉस करके जैसे ही मुझे एक ढाबा दिखता है मैं स्टॉप लेता हूँ। जैसे जैसे मैं हैदराबाद की ओर बढ़ता जा रहा था, गर्मी और बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण साइकिल चलाना और मुश्किल हो रहा था। सबसे ज्यादा मुझे प्रॉब्लम तब हो रहा था जब मैं जंगल वाले एरिया से होकर क्रॉस कर रहा था, क्योंकि इस दौरान रास्ते में ना तो मुझे कोई होटल ना तो कोई ढाबा मिलता था जहाँ मैं थोड़े टाइम के लिए रेस्ट कर सकूँ। यार इधर धूप इतना तेज हो रखा है कि मेरा पूरा स्किन जल रहा है। अभी यहाँ पे बैठा हूँ छांव में, ऐसा लग रहा है कि लहर रहा है पूरा स्किन, मानो किसी ने मिर्ची लगा के रख दिया मेरे फेस पे। अभी बीच में रुका था भाई, अभी यहाँ पे लस्सी मैंने ऑर्डर किया, यहाँ पे लिखा हुआ था देसी लस्सी, वही ऑर्डर किया था मैंने। अच्छा, अभी मुझे कैल्शियम का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो जितना ज़्यादा हो सके मैं मिल्क प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा हूँ। यहाँ के बाद 20 किलोमीटर तक लगातार साइकिलिंग करने के बाद रोड के किनारे शेल्टर में आराम करने के लिए स्टॉप लेता हूँ और ड्राई फ्रूट से अपना पेट भरता हूँ। इसके बाद यहीं पे थोड़े टाइम के लिए सो जाता हूँ। अब देखो ये बात मुझे पहले से ही पता था कि ये सफर मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, और जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा ये सफर मुश्किलों से भरा हुआ था। लेकिन एक बात और थी, जितना मैंने सोचा था ये सफर उससे 1000 गुना ज्यादा खूबसूरत भी थी। ये सारे बोर्ड देखकर तो मेरी और फट रही है यार, कोई है भी नहीं इधर देखो। आगे रास्ता कैसे है भैया? वो जंगल है और टाइगर तो नहीं मिलेगा ना? अब ठीक है ना? नहीं पीछे टाइगर वाला लिखा हुआ था तो मैं डर रहा था। इधर जंगल है, इधर जंगल है, इधर टाइगर निकलता है क्या? कभी निकलता है भाई? इधर टाइगर भी निकलता है यार।
कुछ टाइम के बाद मुझे एक होटल में ब्रेड और चाय खाने को मिलता है। तो जी यहाँ से सीधा चल जाता है नागपुर जो कि 25 किलोमीटर और ये रोड सीधा चला जाता है हैदराबाद। सॉरी नागपुर, बाय बाय, नेक्स्ट टाइम आऊंगा कभी। अभी निकलते हैं सीधा हैदराबाद की ओर और एक घंटे बाद जहाँ मौका मिलेगा वहाँ स्टे ले लूंगा। लेट्स सी भाई, इधर का रूम तो काफी महंगा है। तो ये है जियाज का रूम, मैंने आज रूम लिया है ओयो के अंदर, ओयो होटल में। पहली बार मैं साइकिल जिस होटल में रुका, जिस रूम में रह रहा हूँ, उस रूम के अंदर लगाया। ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, ये रिकमेंड किए रिसेप्शन वाले भैया ने कि भाई अंदर लगा लेना जहाँ पे हुआ। वैसे आज के दिन जो मुझे खाना मिला था वो काफी ज्यादा बेकार था, लेकिन फिर भी मुझे खाना पड़ा था क्योंकि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं थे। जहाँ मैं रुका था उसके आसपास इसके अलावा और होटल ही नहीं था। देखो, इस दुनिया में हर किसी को हर दिन 86,400 सेकंड्स मिलते हैं। अब डिपेंड आप पर करता है कि आप इसका खर्च कैसे करते हो, सिर्फ दूसरों की स्टोरी देखने में या फिर अपनी स्टोरी बनाने में। एक बार क्रॉस चेक करने का ही फायदा है। मैं देखो सामान पैक कर लिया था, फिर मेरा मन किया कि अभी एक बार और देख लेते रूम में कुछ रहा तो नहीं गया। ये टॉवल वही था। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नागपुर बोल लो, गुड मॉर्निंग फ्रॉम महाराष्ट्र। तो ये भी टाइम हो गया है 8:05, फाइनली आज की सफर की शुरुआत होती है। आज मैं यहीं पर स्टे किया था। पता है कुछ जगह ऐसे होते हैं ना जहाँ से आपको काफी जल्दी जाने का मन करता है। देखो आज रात को मतलब उतना अच्छे से नींद भी नहीं आया, सुबह नींद भी जल्दी खुल गया। अभी सुबह सुबह नाश्ता तो मिल नहीं रहा है भाई, एक चाय मिला है, एक पार्ले जी खाएंगे और मैंने एक दूध खरीदा यहाँ पे, ये दूध पी जाऊंगा मैं, देखता हूँ। एक अच्छे बच्चे की तरह सारा दूध पीकर मैं वापस से निकल पड़ता हूँ अपनी मंजिल की ओर। और करीब 2 घंटे तक लगातार साइकिलिंग करने के बाद मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। 10:30 हो गए भाई, 10:29, 2 घंटे साइकिलिंग करने के बाद मैंने एक ब्रेक लिया। अभी पोहा खाकर वापस 1-2-3 हो जाता हूँ अपनी मंजिल की ओर। अब देखो धूप तीखी होने के कारण मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन इस बार मैंने अपनी मन की मानी और ज्यादा वीडियो नहीं बनाया। खैर कुछ दूर के बाद मैं सीधा ब्रेक लेता हूँ भरपेट भोजन करने के लिए, क्योंकि इस हाथी जैसे शरीर को पोहा तोहा से कुछ नहीं होने वाला। भाई सोचो अभी ठंड का मौसम है, उसके बावजूद भी जो धूप है ना मेरी हालत खराब कर रखी है। मतलब क्या बताऊँ, लग रहा है जल रहा है मेरा स्किन। ठंड है ही नहीं इधर यार, ऐसा लग रहा है गर्मी है, जून जुलाई चल रहा है ऐसा लग रहा है। देखो भाई मुझे क्या दिख रहा है, बहुत टाइम के बाद बैलों से खेत जोता रहा है। ये चीज मेरे गांव में हुआ करता था जब मैं 4 क्लास में पढ़ता होगा, 6 क्लास में, तब सरकारी स्कूल में। अब तो मेरे गांव में दिखता ही नहीं है, मैं तो काफी टाइम से गया भी नहीं, लेकिन अब मुझे जहाँ तक याद है मेरे गांव में नहीं दिखता है। हमारे इधर ये फसल नहीं होती होगी, ये फसल होती है, इसको चना बोलते है ना। हाँ। होती है, हमारे यहाँ भी होती है। हमारे यहाँ भी एक टाइम पे बैलों से ही खेत जोताया करता था। अभी जोत रहे आप लोग, क्या कर रहे हैं इसको? अच्छा कचरा निकल रहा है इससे, काफी मेहनत लगता है ना भैया, पसीने पसीने छूट जाते होंगे। हमारे दादाजी करते थे, पापा भी हमारे खेती करते थे, हमको भी याद है कि हम भी स्कूल से आने किस में लग जाते थे। ये तो काफी ताकतवर बैल है आपका। दिन भर करते हो ये जुताई? मतलब एक दिन में कितने घंटे? 8-9 घंटे। इसको क्या करना है? हल चला रहे हम काफी टाइम के बाद। सही चल रहा है ना? तो हम काफी जल्दी सीख भी गए भाई। ये घंटा को इसको चापना है क्या, रस्सी को? ऐसा क्यों, इस घंटे को चापना क्यों? अच्छा। यहाँ के बाद मैं सीधा 4 बजे ब्रेक लेता हूँ केले खाने के लिए। वैसे आपको बता दूँ अब तक हमने 2200 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तय कर लिया है। हमारा डेस्टिनेशन कन्याकुमारी अब मात्र करीब 1600 किलोमीटर ही रह गया है। कभी कभी यार मुझे खुद पर विश्वास नहीं होता कि मिर्ची जैसा दिखने वाला इंसान इतना साइकिल चला सकता है। काफी टाइम के बाद मुझे भाई कोकोनट दिखा है, आज भी हुआ कम से कम 2। कोई है भाई? हाँ चलेगा भाई, लेकर भाग जाऊंगा मैं। अरे भैया इतना सारा कोकोनट है, क्या करोगे इसका? ग्राहक आया उसको पिला दो आप। हाँ हमको चाहिए। भाई इधर तो कुछ होटल ढाबा कुछ दिख ही नहीं रहा है। अभी यहाँ पे एक शिवम फार्म करके दिखा है, पूछता हूँ यहाँ पे।
यहाँ पर ये भैया बताते हैं कि आगे का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ पीछे आपको होटल मिल सकता है रहने के लिए। लेकिन अब मेरे लिए वापस से पीछे जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मेरे लिए 5 किलोमीटर बहुत मायने रखता है। इसलिए मैंने मन बनाया कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन वापस पीछे नहीं जाएंगे। तो भाई मैं आपको पीछे बता रहा था कि मेरे को ढाबा वगैरह मिल नहीं रहा था, होटल वगैरह, तो अभी मैं पेट्रोल पंप पे आया था तो भाई लोग मिल रहे थे। ये लोग मुझे ऑफर कर रहे हैं यहाँ पर रुकने के लिए, कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना भाई? चलो आज की रात आप सबों के साथ। रात को इन सबों से ढेर सारी बातें होती है और ये सारे लोग अपने सपने के बारे में बताते हैं कि आगे इन्हें अपने लाइफ में क्या करना है। और जब इन्होंने अपने सपनों के बारे में बताया तो मैं सुनकर दंग रह गया। और सबसे ज्यादा मुझे खुशी तो तब हुआ जब मुझे पता चला कि अपने सपनों को सच करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो जी महाराष्ट्र में आप सबों का स्वागत है। इसको हम लोग मराठी में कैसे बोलते हैं ये भाई लोग आपको बोलकर बताएंगे। महाराष्ट्र मध्ये आपलं स्वागत आहे। क्या बोले? महाराष्ट्र मध्ये आपलं स्वागत आहे। महाराष्ट्र मातले पे मध्ये आपलं स्वागत आहे। महाराष्ट्र मध्ये आपलं स्वागत आहे। स्वागत आहे, वेलकम टू महाराष्ट्र। आज का रात इन भाइयों के साथ हम बिताने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसको क्या बोलते हैं? ये इससे दाल बनती है। अच्छा, मैं कैजुअली बता रहा, ये नहीं नकली। ये जो गांधी है ना, गांधी पे कभी दाढ़ी रहती है कभी बाल रहते हैं, वो इसी नकली बनाते हो ना। और जो यहाँ पे ये सो दिखते ना, ये वाले सो, ये वाले सो, तो ये सो नहीं दिखते। तो भाई मेरे को लगता था कि यहाँ पे 500 और 2000 का नोट नकली आता, पर ये भाई बता रहे की 10, 50 और 100 का नोट नकली आता। फिर घर से जाकर ये भाई लोग मेरे लिए स्पेशल खाना बनवा कर लाते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, इनका ड्यूटी यहाँ पर दिन में ही खत्म हो जाता है, लेकिन ये आज रात को भी मेरी वजह से यहीं पर रुक जाते हैं। तो इस एपिसोड में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ, आपका एक कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा।